टोटल शेल पीपल्स पार्टी के सहित में नहीं बैठते, सिर्फ मंजन बेच रहे हैं। घर में कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद 12-12, 13-13 हज़ार रुपए का बिल है। मैं 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ इधर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 यूनिट की वजह से 7,500 की बल्ली मेरे पे आई है। अफसोस होता है, कुरंगी के अंदर पिछले 1 माह के दौरान 40 अफराद से ज्यादा कत्ल किए गए हैं। बिल पे करना ही आवाम बंद कर दे कि हम बिल पे नहीं करेंगे। 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है, अगर बैटरी भी घर में लगाई हुई है तो बैटरी चार्ज करना भी मुश्किल हो जाता है। भैया जे होती हुकूमत वो देती नहीं है, अगर वो करे तो क्यों नहीं बिजली होए, वो तो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ तो है के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुबान बेग। नाज़रीन अकराम, कराची शहर में के इलेक्ट्रिक ने लोगों का जीना जोबर कर दिया है। बिजली आने का नाम नहीं ले रही, टैक्सेस की भरमार है और इस वक्त शहर कराची के लोग बिलों की वजह से परेशान हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया दारुल उलूम कराची के साथ मौजूद के इलेक्ट्रिक के दफातर के सामने, कि जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से एक एहतजाज कॉल किया गया है और साथ ही यहाँ पर जो है वो तहरीके लबैक की जानिब से भी एहतजाज किया गया है। पीछे जो है वो शुरका मौजूद है, बैनर्स के साथ मौजूद हैं। आपको दिखाते चलें कि यहाँ भी लोग मौजूद हैं, इस तरफ भी लोग मौजूद हैं और लोग अपना मुकदमा लेकर अपने साथ होने वाले जुल्म की दादरसी के लिए और सुनवाई के लिए के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जमा हैं, लेकिन पुरअमन तौर पर जमा है। हम इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि जनाब क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं, और साथ ही ये सवाल भी करेंगे कि जनाब एक अरसे से एहतजाज हुआ चला जा रहा है लेकिन कोई खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो क्या अब कराची वालों को अपने एहतजाज का जो अंदाज़ है उसे बदलने की ज़रूरत है या कोई तीसरा कदम उठाने की ज़रूरत है। आइए हमारे साथ लोगों से उनकी राय जानते हैं। भाई बिजली आ ही नहीं रही, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। क्या मतलब 2-4 घंटे तो आ रही होगी ना यार? हाँ 2-4 घंटे आ जाती है, लेकिन बस किस वक्त आती है ये पता नहीं चल रहा। लोगों को शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है? हाँ लोगों को तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ करना चाहिए शुक्रिया के अलावा, लेकिन लोग हमारे कर नहीं रहे। ये ऐसे मुनाफे थे जो ये इसमें शेयर टोटल पीपल्स पार्टी के, टोटल शेयर पीपल्स पार्टी के, सईद गनी बैठ के सिर्फ मंजन बेच रहे हैं, मीडिया के आगे मंजन बेच रहे हैं। बोल दिया उन्होंने, बात खत्म हो गई। सईद गनी ले लें, पटियाला तारपुर ले लें, दुनिया पूरा कराची जानती है कि उनके शेयर्स हैं उसके अंदर। भाई इलाके के अंदर जितने कुंडे चलते हैं केई के मुलाजमों की सरपरस्ती के अंदर चलते हैं और उनकी आड़ में जो लोग मीटर लगे हुए हैं पे करते हैं वो पिसते रहते हैं। लोड शेडिंग भी रहती है, हमारे घरों पर बिजली भी नहीं आती और 200 यूनिट घर में कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद 12-12, 13-13 हज़ार रुपये का बिल है। आप बताएं ना, एवरेज तनख्वाह यहाँ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये में 13,000 रुपये का बिल भर देगा, कोई किराए का मकान देगा, कैसे गुजारा होगा? जो भी गुजारा होता है इस पर सबसे पहले तो जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है, ठीक है, और इस पर सिर्फ हमारे कारकुनान ही जिम्मेदार नहीं ज़्यादातर शिरकत करते हैं, आम आवाम इस वक्त बहुत कम तादाद में होती है। अभी जैसे आपने सवाल किया ना, आवाम निकल नहीं रही है। भाई आवाम तो इतना बेबस कर दिए गए ना, एक मिसाल है 32,000 कमाने वाला बंदा कैसे छुट्टी कर आके एतजाज का हिस्सा बनेगा? जब वो एतजाज करेगा तो घर तक चूल्हा भी, लाइट तो बंद ही बंद है, चूल्हा भी नहीं जलेगा। तो भाई आवाम इतनी बेबस है, आज आवाम निकल भी नहीं रही है। कुछ जो इस मुल्क की खैरख्वाह जमातें वो कॉल भी देती हैं तो उस पर भी आवाम वैसी नहीं निकल पाती हैं। जो माफिया 3 बड़ी जमातें माफिया बैठी हुई हैं वही उन्हीं का होल्ड है, उन्होंने सारे अपने हुक्मरान सब। कौन 3 माफिया कौन है नाम? पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI और एक हमारे कराची थी MQM। सर बिजली यहाँ कम रही है, ज़्यादा आ रही है, 24 आवर के अंदर जो है वो 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है, अगर बैटरी भी घर में लगाई हुई है तो बैटरी चार्ज करना भी मुश्किल हो जाता है। बैटरी ने भी हाथ जोड़ दिए हैं यार, मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है, बैटरी ने भी कह दिया है मुझे माफ़ करो भाई, कुछ तो ख्याल करो, मेरा चार्ज करो फिर उसके बाद इस्तेमाल करो। नहीं नहीं मोबाइल का नहीं, आप चाहें तो विज़िट भी कर सकते हैं हमारे इलाके के अंदर। हमारा इलाका जो है UC10 लांडी टाउन के अंदर आता है, इलाका है सोक वाटर और वहाँ यही है सिस्टम। सुबह 7 बजे जो लाइट जाती है तो 10-11 बजे तक लाइट का पता ही नहीं होता, मगर इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी है। ओवर बिलिंग के साथ साथ ये लोड शेडिंग हमारे पे, हर तरह की लोड शेडिंग, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस, फिर टैक्सेस, पता नहीं कौन कौन से इन्होंने फर्दर टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स लगाए हैं जो कि आवाम को भर ही नहीं सकते। आप समझें कि समझ लें, अगर कोई एक बंदा अपना जो उसकी जो सैलरी है उसकी आधे से ज़्यादा सैलरी सिर्फ ये बिल भरने में निकल रही है। इलेक्ट्रिक इतनी पावरफुल है, अगर आवाम निकले भी तो इनके पास इतने स्ट्रॉन्ग वकील हैं
कि वो लोगों पे केस करते थे। इससे पहले यहाँ पे ढाबा बोला था, उनके ऊपर सबके ऊपर केस हो गया। अब वो जो अवाम निकली थी, वो अवाम तो अपने घरों पे, उसमें मेरा अपना बड़ा भाई भी था जिसके ऊपर केस हो गया, कोई नहीं आया, उसको हमने खुद फाइट करा, अभी तक उसको भुगत रहे हैं। उस बात को कितना टाइम हो गया, जिस टाइम 5,000 रुपये टैक्स लगकर आया था, सिर्फ टैक्स, उस वक्त का केस अभी तक मेरा भाई भुगत रहा है। लेकिन मैं आज फिर भी आया हूँ, यहाँ पर आया हूँ। 200 यूनिट्स के ऊपर मेरा खुद जो है बिल 206 यूनिट बन गए 33 दिन के अंदर, क्योंकि मई की 11 तारीख, यानी 11 तारीख को रीडिंग हुई, मई के बाद जून की 11 तारीख की रीडिंग हुई भी आई हुई है, लेकिन वो 11 को नहीं लेके गया, वो लेके गया 12 को। तो मई से लेके और 12 जून तक यानी कि 33 दिन होते हैं, 33 दिन में क्या हुआ, मेरे 206 यूनिट हो गए। मैं 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ इधर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 यूनिट की वजह से 7,500 की बल्ली मेरे पे आई है। देखें, टैक्स लेना बिल्कुल हुकूमत का हक है, जायज़ है, ले सकती है और दूसरे ज़राए से भी ले सकती है, लेकिन जैसे आपके इल्म में है कि ये टैक्स जमा करने के आवाज में के इलेक्ट्रिक जैसे बदतरीन इदारे को जो है 15-20% जो है उसमें मुनाफा दिया जाएगा, सिर्फ इस काम का कि वो लोगों से टैक्स लेंगे और वो KMC को या मेयर कराची को अदा करेंगे। भाई यही मसला है कि ये जो है ना पुलिस वालों का काम है स्ट्रीट क्राइम को रोकना, डकैतों को रोकना, लेकिन वो जो चोर इदारे हैं जो पब्लिक के ऊपर जुल्म कर रहे हैं सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, बाकी जो है ना आवाम की सिक्योरिटी के लिए डकैत छोड़े हुए गलियों के अंदर, आप गेट खोलें वो आपको बाहर मिलेंगे, ये आपको इधर चौकीदारी करते हुए मिलेंगे चोरों की और डकैतों की। एक प्राइवेट इदारे की चौकीदारी पे इतनी तवज्जो क्यों है? वजह ये ना, वहाँ यहाँ से हिस्सा मिलता है, वहाँ से तो वो डकैत हिस्सा इनको दे के वो अपना हिस्सा लेते रहते हैं। मैं आ जाऊँ, मैं अभी इनके साथ ढाबा बोलूँ या कुछ भी मकसद बोलूँ, इतना केस कर देते हैं उठा के, पुलिस भी हमारी ठक करके FIR काट देती है। ये पुलिस वाले भाई भी वही है ना, इन्हीं की घर में भी लोड शेडिंग हो रही है ना, लेकिन ये भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें हमारे साथ देने वाला कौन है? मैं इस टाइम तमाम पार्टी का, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। कंप्लेन करें तो वो यही कहते हैं कि कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से आपके इलाके को जो है वो बंद किया गया है, अभी नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। जब कंप्लेन करें नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, और जनरेट करते नहीं कंप्लेन नंबर जिसके अगेंस्ट हमारी कंप्लेन, तो कम से कम नोट डाउन हो, वो भी जनरेट नहीं करते। और लोड शेडिंग के मतलब ये इस जो टेक्निकल फॉल्ट के अंदर बंद किया जाता है, इसका कोई दौरानिया नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, बस जब फ़ोन करें टेक्निकल फॉल्ट है उसके अंदर, यही बोलने कुछ भी नहीं है। मैंने इनके ऊपर बोला इनका एक होता है रेड स्लिप, वो बनाएंगे, लेकिन किसी ने बनाया नहीं है, ताकि हमारी गलती है उसके ऊपर। कोई 3-4 लांडी में गाड़ी आई हुई थी, उनको बोला जाके, कल 2 दिन से चक्कर लगाया, इनको बोला, लेकिन इन्होंने किसी ने रेड स्लिप नहीं काट के दी, ताकि हमारी अपनी गलती है कि एक दिन लेट आया हमारा बंदा। बार थके आ रहे, हीट स्ट्रोक के दिन है, पूरी भरपूर गर्मी में पसीने बहाकर घर पहुंचे, बिजली नहीं है, क्या कैफियत होती है भैया? जे होती है हुकूमत वो देती नहीं है, अगर वो करे तो क्यों नहीं बिजली होए, वो तो है ना, वो अगर करें तो फिर तो गालियां ही निकलती हैं, घर जाते हैं ना जब लेट जाती है तो हर टाइम गालियां ही निकलती हैं। कितना बिल कितना आ रहा है? 6,000-7,000 दो पंखों चलते हैं। बस घर कितना बड़ा है? घर किराए का है और 2 कमरे का घर है। अगर इस किस्म की प्रोटेक्शन करनी है, एहतजाज करना है और भरपूर किस्म का एहतजाज, तो वो इनके हेड ऑफिस को भी करना चाहिए, उसको भी शामिल करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर चाहती है आवाम तो सिंध लेवल पे, जैसे हमारी अपना सूबा है, शहर कराची है, तो हर सूबे के अपने अपने इलाके के आवाम अपने अपने लोगों के असम्बलियों का घेराव करें, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि आवाम किस कदर परेशान है, वो जो पार्लियामेंट में बैठी है एयर कंडीशन में बैठ के हमारे लिए, हमारे खिलाफ जो कि अपने ज़ाती मफादात के ऊपर तमाम तनुकात पर तमाम समझौते करते हैं और अपने कानून बनाते हैं, तो वो उनको भी मालूम हो कि अवामी मसाइल क्या होते हैं। कोई हकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है। लोगों को क्या हो गया? लोगों को बाहर निकलना चाहिए, हमारे लोग भी बाहर नहीं निकल रहे। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इस मुल्क का और क्या करने जा रहे हैं हमारे हुक्मरान। इसके दो हल है, या इनका लाइसेंस मनसूख किया जाए, या दूसरी चीज़ अवाम भरपूर वो कश्मीर की तरह निकले और ढाबा बोल दे। ये दो हल है। पूरे पाकिस्तान लेवल पर पार्लियामेंट का घेराव किया जाए, ताकि हाई लेवल को पता लगे कि हाँ भाई आवाम के कुछ मसाइल हैं, तो वहाँ असम्बलियों में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं,
उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे दरियन मसाइल है क्या। पूरे हाई लेवल पे और कंटिन्यू टू पाकिस्तान करना चाहिए और कई दिन प्रोडक्शन करनी चाहिए, और नहीं तो फिर या तो इनको बिल पे करना ही, आवाम बंद कर दे कि हम बिल पे नहीं करेंगे। नाज़रीन, हम मौजूद थे लांडी और कोरंगी की IBC के बाहर जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, और यहाँ जब लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना है कि 24 घंटे में से 18 और 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दो कमरों का के घर का बिल 7,000-7,000, 6,000 रुपए भेजा जा रहा है। एक मजदूरी करने वाला आदमी भला किस तरह उस बिजली के बिल को अदा कर सकता है। साथ ही अब जो यहाँ पे बात हुई है तो लोगों का यही कहना है कि जनाब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। यहाँ गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है, यहाँ हुकूमत को और अहले इख्तियार को एक्शन लेने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि कराची के लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो और वो अब एहतजाज का रास्ता छोड़कर किसी पुरतशद्दुद रास्ते का इंतखाब कर बैठे। इससे पहले एक्शन लिया जाए, कराची वालों के जख्मों पर मरहम रखा जाए, लोड शेडिंग को खत्म किया जाए, बिलों को बेहतर किया जाए ताकि यहां बसने वाले गरीब आदमी की जिंदगी के अंदर कुछ सुकून आ सके। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। मिर्जा सुबान बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान।